आप इस जलती हुई अग्नि को देख रहे हैं? इसमें जलते हुए अंगारों को देख सकते हैं? बड़ा गर्म है, हाथ भी जला सकता है, परंतु जब यह ठंडा हो जाता है तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु देखिए, ठंडा होने के पश्चात भी इसने हाथ काला कर ही दिया। यही गति दुर्जनों की भी होती है। आप भले ही उनके साथ जलकर नष्ट नहीं हुए, परंतु आप भी अपयश के भागी अवश्य बनते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति का साथ कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि दुर्जनों से हम दूर रहें। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। तैयार हो पार्थ?
जी माता। हुआ संजय, युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं? वासुदेव के शब्दों ने मुझे मौन कर दिया है महाराज। अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जिस प्रकार से वासुदेव के ज्ञान ने राजकुमार अर्जुन को प्रबुद्ध कर दिया है, उसी ज्ञान का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है महाराज। वो सब छोड़ो संजय, मुझे केवल इतना बताओ कि युद्ध आरंभ हुआ है कि नहीं। विस्तार से बता कि युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है, बताओ मुझे। जो आज्ञा महाराज। युद्ध का शंखनाद हो चुका है महाराज, युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। देखो इन मूर्खों को, इन्हें लगता है कि ये हम पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम पर हावी हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं हम पर, परंतु वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे खेमे की आधी सीमा भी पार नहीं कर पाएंगे। और क्या, ठीक रही इन्हें इनके सबसे बड़ी भूल की अनुभूति हो जाएगी। पछताएंगे, ये सब पछताएंगे, दया की भीख मांगेंगे ये सब जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। पांडु पुत्र, तुम्हारी भूल है भ्राता दुर्योधन। और हाँ, मैं वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे रथ पर लगी हस्तिनापुर की पताका को मैं अपने अधीन कर लूंगा। मूर्ख, इतना दुस्साहस, अपनी दृष्टि खोल के देख कि हाँ किन महारथियों के विरुद्ध खड़ा है तू। और रही बात मेरे इस पद की, तो यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं वचन देता मैं स्वयं इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दूंगा।
युद्ध का आरंभ हो चुका है महाराज। युवराज दुर्योधन ने राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है कि सूर्यास्त से पहले उनके रथ पर उपस्थित पताका को यदि राजकुमार अर्जुन अपने बस में कर लेते हैं तो युवराज दुर्योधन आज ही युद्ध को समाप्त कर देंगे। ये क्या किया दुर्योधन, ये क्या किया दुर्योधन ने? और पितामह, पितामह ने उसे रोका नहीं? नहीं महाराज। समझ में नहीं आता पितामह क्या भी रचना करने वाले। पांडवों की सेना वज्रव्यूह का रूप धारण करके आगे बढ़ रही है। पितामह, पितामह सुन रहे हैं आप? याद भी है कि यहां क्या चल रहा है? पितामह आप क्या कर रहे हैं? आप कौरवों की सेना के सेनापति हैं। हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है पितामह। कुछ बोलिए, कुछ बोलिए पितामह। हम कुछ नहीं करेंगे गंधार राज। दुर्योधन, देखना अभिमन्यु, पताका मैं ही लेकर रहूंगा। तुम्हें गंभीरता से ना लेने के लिए क्षमा करना मित्र, परंतु मुझे स्मरण है जब विराट की युद्ध भूमि पर तुम मेरे पिता श्री अर्जुन के साथ थे तब वहाँ क्या घटित हुआ था। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का यह युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा। ठीक है ठीक है, तुम पताका ले आना और मैं स्वयं तुम्हें शिविर तक उठाकर लेकर जाऊंगा। सारथी शीघ्रता करो। साथी, रथ को आगे बढ़ाओ, चलो। पितामह, कुछ तो बोलिए। अब मौन क्यों है? कुरुक्षेत्र में प्रवेश के पश्चात जो आपने वचन दिया था वो याद है आपको? मुझे अपना दिया हुआ हर एक वचन स्मरण है दुर्योधन, तुम्हें मुझे स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। सारथी, वज्र की ओर चलो। युद्ध करने का कोई भी कारण शेष नहीं है। कारण है द्रुपद, तुम्हारी पुत्री द्रौपदी का वस्त्र हरण। हे
करने की प्रतिज्ञा ली थी मैंने, और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का समय आ गया है। सावधान! आप इस जलती हुई अग्नि को देख रहे हैं? इसमें जलते हुए अंगारों को देख सकते हैं? बड़ा गर्म है, हाथ भी जला सकता है, परंतु जब यह ठंडा हो जाता है तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु देखिए, ठंडा होने के पश्चात भी इसने हाथ काला कर ही दिया। यही गति दुर्जनों की भी होती। आप भले ही उनके साथ जलकर नष्ट नहीं हुए, परंतु आप भी अपयश के भागी अवश्य बनते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति का साथ कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि दुर्जनों से हम दूर रहें। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। है पंच
साथ है, कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। तैयार हो पार्थ? जी माधव। हुआ संजय, युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं? वासुदेव के शब्दों ने मुझे मौन कर दिया है महाराज। अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जिस प्रकार से वासुदेव के ज्ञान ने राजकुमार अर्जुन को प्रबुद्ध कर दिया है, उसी ज्ञान का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है महाराज। वो सब छोड़ो संजय, मुझे केवल इतना बताओ कि युद्ध आरंभ हुआ है कि नहीं। विस्तार से बता कि युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है, बताओ मुझे। जो आज्ञा महाराज। युद्ध का शंखनाद हो चुका है महाराज, युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। देखो इन मूर्खों को, इन्हें लगता है कि ये हम पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम पर हावी हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं हम पर, परंतु वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे खेमे की आधी सीमा भी पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, और क्या, शीघ्र ही इन्हें
इनके सबसे बड़ी भूल की अनुभूति हो जाएगी। पछताएंगे, ये सब पछताएंगे। दया की भीख मांगेंगे ये सब जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। पांडु पुत्र, तुम्हारी भूल है भ्राता दुर्योधन। और हां, मैं वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे रथ पर लगी हस्तिनापुर की पताका को मैं अपने अधीन कर लूंगा। मूर्ख, इतना दुस्साहस, अपनी दृष्टि खोल के देख। यहाँ किन महारथियों के विरुद्ध खड़ा है तू? और रही बात मेरे इस पद की, तो यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं इस युद्ध को यही समाप्त कर दूंगा, यही समाप्त कर दूंगा, यही समाप्त कर दूंगा, यही समाप्त कर दूंगा। युद्ध का आरंभ हो चुका है महाराज। युवराज दुर्योधन ने राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है कि सूर्यास्त से पहले उनके रथ पर उपस्थित पताका को यदि राजकुमार अर्जुन अपने बस में कर लेते हैं तो युवराज दुर्योधन आज ही युद्ध को समाप्त कर देंगे। ये क्या किया दुर्योधन, ये क्या किया दुर्योधन ने? और पितामह, पितामह ने उसे रोका नहीं? नहीं महाराज। समझ में नहीं आता पितामह क्या भी रचना करने वाले।
देख रहे हैं पितामह, पांडवों की सेना वज्रव्यूह का रूप धारण करके आगे बढ़ रही है। पितामह, सुन रहे हैं आप? याद भी है कि यहां क्या चल रहा है? पितामह, आप क्या कर रहे हैं? आप कौरवों की सेना के सेनापति हैं। हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है पितामह। कुछ बोलिए पितामह। हम कुछ नहीं करेंगे गंधार राज। दुर्योधन, देखना अभिमन्यु, पताका मैं ही लेकर रहूंगा। तुम्हें गंभीरता से ना लेने के लिए क्षमा करना मित्र, परंतु मुझे स्मरण है जब विराट की युद्ध भूमि पर तुम मेरे पिता श्री अर्जुन के साथ थे तो वहां क्या घटित हुआ था। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का यह युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तुम पताका ले आना और मैं स्वयं तुम्हें शिविर तक उठाकर लेकर जाऊंगा। सारथी, शीघ्रता करो। साथी, रथ को आगे बढ़ाओ, चलो। कुछ तो बोलिए, अब फोन क्यों है? कुरुक्षेत्र में प्रवेश के पश्चात जो आपने वचन दिया था वो याद है आपको? मुझे अपना दिया हुआ हर एक वचन स्मरण है दुर्योधन। तुम्हें मुझे स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। सारथी, वज्र की ओर चलो। युद्ध करने का कोई भी कारण शेष नहीं है। कारण है द्रौपदी, तुम्हारी पुत्री द्रौपदी का वस्त्र हरण। मामा श्री, तुम्हारा अंत करने की प्रतिज्ञा ली थी मैंने, और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का समय आ गया है। सावधान! We'll be right back.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.